Assalamu alaikum, this is Ishan Aslam and you're watching Shan's Vlog. सबसे पहले आप सब मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन होता है, वैसे तो सारा दिन सोकर गुजरता है। ईद उल फितर की बात करूँ, ईद उल अज़हा बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ईद उल अज़हा हमारे लिए बहुत बिजी डे होता है हम सब के लिए, स्पेशली हम लड़कों के लिए, क्योंकि हम लोगों की ईद उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब घर पर सबसे पहले कुर्बानी का जानवर आता है। और ईद से एक दिन पहले तो जैसे हमारी आदत बन चुकी है ना कि पूरा दिन तो सोना ही नहीं है, फिर सुबह जब आधे घंटे के लिए आँख लग भी जाए तो भाई हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। सुबह उठने के बाद अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं हम लोग, और बड़ी मुश्किल से अगर उठ भी गए तो उठने के बाद जल्दी से भाग के जाके हमें तैयार होना पड़ता है, क्योंकि नमाज का टाइम निकल। लोगों से नमाज पढ़ के ईद मिलते हैं, और उसके बाद फिर सवैयों का लुत्फ ना उठाएं ईद पर तो मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद भाई तैयार हुए हुए होते हैं पूरी ईद के बाद, तो पिक्चर्स तो बनती है ना। आपका भाई अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। फिर उसके बाद भाई कसाई का वेट और जानवर गिरना शुरू। यहाँ तक तो ठीक है भाई, इसके बाद सबसे मुश्किल काम होता है गोश्त को समेटना और लोगों तक बांटना, उसके बाद पैसा यहाँ पे वसूल होता है, और उसके बाद अच्छे मौसम में एक अच्छी नींद, पूरे दिन की थकावट दूर। ऐसा था मेरा आज का दिन, आई होप आप लोगों का मुझसे अच्छा दिन गुजरा हो। मेरा तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इंजॉय किया। आप लोगों को फिर से एक दफ़ा ईद मुबारक, और आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये और मैंगो आपस में बड़े मिलते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। मैंगो की भी गर्दन नहीं होती तो इनकी भी गर्दन। Got that.